देखिए, रंगों का ये त्योहार यूं तो प्यार का त्योहार है, एक दूसरे के साथ रिश्तों को संवारने का, निखारने का त्योहार है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग अपनी हरकतों से और अपनी भावनाओं से बाज ही नहीं आते। तो जहां एक तरफ गुम में सई जो है खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोली बना रही है, वहीं हमारी पाखी उसे अपनी नफरतों से खराब कर रही है। सही, मैं अपने घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। ये पूरा घर भी मेरा है और इस घर की बहू भी मैं ही हूँ। हर त्योहार में जितनी भी रस्में होती है ना, वो निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। होली आती है और अपने साथ ही तमाम प्यार के रंग भी ले आती है। उन प्यारे प्यारे रंगों को हर कोई अपने रिश्तों में समेट कर रखता है। सई भी जब बरसों बाद होली के मौके में अपने ससुराल में है, तो उसने अपने प्यार के रंगों से भरने की पूरी कोशिश की है। जरा देखिए इस रंगोली को, जिसमें आपको हर प्यार का रंग नजर आ रहा होगा। लेकिन किसी को रंगों से प्रॉब्लम है और वो कोई और नहीं बल्कि पाखी है, जो सई को अपनी नजरों के सामने एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जिस रंगोली को सई ने इतने प्यार से बनाया था, उस रंगोली को पल भर में खराब कर दिया पाखी ने। ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो सई? मैं अपने घर के सामने रंगोली बना रही हूँ। ये पूरा घर भी मेरा है और इस घर की बहू भी मैं ही हूँ। पाखी का गुस्सा उसे बर्बाद कर रहा है, इस बात को वो अभी समझ नहीं पा रही है। क्या हुआ, नहीं बन रही ना? बनेगी भी नहीं। जब आदमी का सारा ध्यान दूसरे की चीज बिगाड़ने पर होता है बल्कि अपनी चीज बनाने पर, तो वो कभी खुद का कुछ भी नहीं बना पाता, क्योंकि उसको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं उसके साथ भी वैसा ही नहीं हो जाए। उसे सई अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती है। काकू से लेकर विराट, हर किसी ने उसे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब जब तक सई और पाखी का झगड़ा चलेगा, तब तक सीरियल को टीआरपी भी मिलेगी। इन दोनों के बीच विराट की हालत तो दिन ब दिन खराब ही होती जाएगी। लेकिन क्या करे, ऐसी ही कहानी और ड्रामे में तो सबको देखने में मजा आता है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होते रहा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।